मैं मिस्टर वांगचुक की टीम के साथ हूँ. देर आर लाइक लिटरली 200 मेंबर्स वॉकिंग टूवर्ड्स दिल्ली और इवन इन हैवी रेन्स दे आर कॉन्टिन्यूसली वॉकिंग. दिस इज द ब्रेक. इफ यू लुक डाउन एट दैट रोड देन यू विल सी दैट देयर इज अ लाइक ऐसे बहुत ऊंची चढ़ाई है. देन यू विल सी दैट दीज आर दी ऊंची चढ़ाई. ये वाली पूरी पूरी चीज चढ़ाई है. एंड दे हैव टू लिटरली क्रॉस दिस माउंटेन एंड दे हैव कम अक्रॉस 400 किलोमीटर टिल नाउ. सो लेट्स सी व्हाट लाइज इन द फ्यूचर. विल दे बी रीचिंग दिल्ली. मेरा नाम गुलाम बाबस. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप पैदल क्यों चल रहे हो? फिर हमारे मांग है ना जो सिक्स जूल का है, जो हमारे नेता, इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं. ठीक है. उनके बारे में अगर उनको संबोधित करना हो तो जैसे उनके लिए नॉर्मल है कि कोई ऐसा खास वर्ड नहीं होता, बट लद्दाख अगर जैसे मुझे अब ये बताना है कि द पीपल ऑफ लद्दाख व्हाट आर देयर क्वालिटीज, गिव मी वन गुड क्वालिटी ऑफ देम, लाइक वन बेस्ट क्वालिटी दैट. ओके, ऑनेस्टी एंड सम. आई वाज थिंकिंग अबाउट आयरन, लाइक समथिंग. आई वाज थिंकिंग अबाउट द आयरन आर्मी, दैट इज आयरन आर्मी सॉर्ट ऑफ थिंग. 200 पीपल वॉकिंग फ्रॉम लद्दाख, हाई टेरेन्स टू लो टेरेन्स, कमिंग फ्रॉम वन एटमोसफेयर टू दी अदर एटमोसफेयर, टोटली चेंज ऑफ एटमोसफेयर. आफ्टर 200 किलोमीटर देयर विल बी नो मोर coldness, there will be only heat, humidity, right? That's why I'm going with the word iron. Iron army talk, right? मैं मेहदी शाह भाई के साथ हूँ. ये 400 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं फ्रॉम मिस्टर सोनम मांगचुक के साथ. Let's understand what he is walking for, why he is walking, and why he is walking with more than 200 people. Sir, आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त क्यों चल रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का उत्कर्ष पॉडकास्ट के लिए. तो सबसे पहले तो मैं लद्दाख का एक यूथ हूँ और हम क्यों चल रहे हैं, इसके दो तीन कारण हैं. पहला तो ये है कि ले अपेक्स बॉडी ने ये जो पद यात्रा का कॉल दिया था, जिसको लीड कर रहे हैं जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट का सोनम वांगचुक जी. तो जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि लद्दाख की हमेशा से मांग था, यूनियन टेरिटरी तो था ही था, लेकिन यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन था. लेकिन एक ऐसा यूटी जिसमें लेजिस्लेशन नहीं हुआ, तो हमें एहसास हुआ कि हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर होना चाहिए. और दूसरी बात, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हुआ. लोकतांत्रिक एक सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है. इससे पहले हमारे पास 3-4 MLA हुआ करता था, अब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं और हमारा काउंसिल भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका. तो अपेक्स बॉडी की जो मांगिंग थी, पहला था कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड, पहला मुद्दा फुल स्टेटहुड. और दूसरा मुद्दा जो है वो, चूँकि लद्दाख जो है ट्राइबली डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पे लगभग 8 ट्राइब रिकग्नाइज ट्राइब है ना, और लगभग 90% ट्राइबल्स हैं. तो हमारे संविधान में जो प्रोविजन्स है सिक्स शेड्यूल का, जो अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ सिक्स मिजोरम मेघालय इस तरह के स्टेट में, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के अंदर रखा जाए. ओके. तो दूसरा मुद्दा ये, और तीसरा ये कि हमारे जो दो डिस्ट्रिक्ट है उनमें कौन कौन से, दोनों लेह और कारगिल में अलग अलग लोकसभा सीट मिले. और चौथा, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है लद्दाख के लिए एक सेपरेट बने, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए. तो इन चार मांगों के साथ हम चल रहे हैं. और मुझे ये, मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं एक लद्दाख का हूँ और एक ग्लोबल सिटीज़न भी हूँ, तो दोनों दृष्टिकोण से, क्योंकि लद्दाख को अगर बचाएंगे, संरक्षण देंगे, तो पर्यावरण बचा रहेगा. और लद्दाख हम जानते हैं कि हिमालय की हाई ऑल्टीट्यूड जगह है. अगर यहाँ की इकोलॉजी को बचा के रखे और हिमालयन रीजन की इकोलॉजी को बचा के रखे, तो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जिस वजह से हमारे बाकी जो एरियाज है, प्लेन एरियाज है, वो भी बचे रहेंगे. तो एक तो ये है कि एक इकोलॉजिकल कॉज भी है ये, इस कंसर्न के साथ मैं जुड़ा हूँ जी. अच्छा, आपको लगता है कि आपको दिल्ली पहुँचने से पहले, और अभी दिल्ली पहुँचने दिया जाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, हम पहुँचने देंगे, क्योंकि हम एक पीसफुल यात्रा कर रहे हैं और हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर कुछ काम नहीं कर रहे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें वो आज़ादी दी हैं, वो राइट्स दिए हैं. हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पीसफुली पैदल मार्च कर सकते हैं. और अगर आप देखें तो हमारा पूरा मार्च लगभग 400 किलोमीटर चल चुका है. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको पीसफुल मार्च कहीं देखने को मिलेगा.
है ना, इससे पहले हमारे जो प्रोटेस्ट भी रहे थे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर थे, और सबसे बड़ी बात जो रास्ता हम लोगों ने चुना था, जो रास्ता मिस्टर सोनम वांगचुक ने चुना है, वो रास्ता नॉन वायलेंट रास्ता है और विद इन डेमोक्रेटिक परव्यू के ही अंदर है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ काम कर रहे हैं, एंटी नेशन काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें रोका जाएगा। मुझे लगता है कि बींग ए शहरी, रिस्पॉन्सिबल शहरी है ना, हम एक जिम्मेदार शहरी होने की वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ख्याल में रखते हुए ये पीसफुल यात्रा कर रहे हैं, और लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना हिम्मत दी है। और इस तरह से हमें हिमाचल में भी आपने देखा होगा ओवरवेलमिंग सपोर्ट था, तो मुझे लगता है एक अच्छे कॉज है, विद इन डेमोक्रेटिक परव्यू के अंदर है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ही अपनी हक के लिए चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोकने का कुछ इसमें कुछ बनता है। जी परफेक्ट। आई वांट यू टू कंग्रेचुलेट फर्स्ट फॉर मेकिंग अप टू फॉर 400 किलोमीटर्स। थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू एक्चुअली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अप जर्नी। दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, 800 किलोमीटर है दिल्ली तक, ठीक है। एंड I have seen you guys managing food, yeah. People showering love on you, yeah. And I want to thank you because you are walking on behalf of all of India, yeah. And this is not a very uncommon issue or a very selfish issue, because I have seen you guys talking about everything that India wants right now. Thank you once again. Yeah, thank you for joining us on the camera. Thank you. Short interview. Perfect. And hope that I'm very optimistic. Yes. That we'll be yes able to sensitize more yes. people. And contribute more into our national development. Yes. And more contribution to protect the ecological resources of our entire Himalayan region. Can you say Jule Namaste to our camera? Jule to all the viewers. Jule. Jule is a greeting from Ladakh. Okay. So Jule to all Jule. Your viewers. Jule. And keep supporting us. Keep in your prayers. Yeah, thank you so much. Perfect, perfect. Mera naam hai Jigmet Paljor. Okay. And I am the coordinator of the Leh Apex body and the coordinator of this Pad Yatra. Okay. Can I call you Mr. Pal? Yes. Okay, Mr. Pal, thank you for doing this. Thank you. And it's been an honor to meet you guys, first of all. Mujhe, how are you feeling right now? Feeling positive that we have came a long way. We have traveled more than 360 kilometers now and en route to Delhi to reach on 2nd of October. And abhi tak jitne bhi log hai hamare jo is Pad Yatra mein jude, kafi motivated hai. And we are resolute to reach New Delhi on 2nd of October with our 4 main demands. Aur usme se bhi hum, jaisa Sonam Wangchuk ji kehte hain, there are 2 key demands. One is local, jo ki hamare government of India ko remind karna chahte hain, jo unhone 2019 and 20 they promised to give 6th schedule, the constitutional safeguard under 6th schedule to the Ladakh region. But then unfortunately after that, जो हमारे talks चल रहे थे between government of India and Leh Apex body and Kargil Democratic Alliance, वो talks भी fail हो चुके, जो first phase का जो talks था वो fail हो चुका था पहले, उसके बाद talks resume नहीं हुआ, और जो 6th schedule के जो demands है वो कहीं ना कहीं से government की तरफ से ignored जैसा उन्होंने करा, तो इसलिए हमें हम यहाँ से पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये याद दिलाए, उनके जो वादा जो प्रॉमिस किए थे उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से। मिस्टर वेल, डू यू फील बिट्रेड? यू वोंट से बिट्रेड बट डेफिनेटली इग्नोर्ड। ओके या सो हम इस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए यहाँ से इतने किलोमीटर्स चल रहे हैं, मोर देन 900 किलोमीटर्स, बट देन वाइल Before reaching Delhi, I hope that government of India will understand that this demand is genuine. The people of Ladakh really needs to be safeguarded. The land, the culture, the ethnic identity, the tribal identity needs to be safeguarded. That is why we are traveling. We are walking till Delhi. Wo mujhe lagta hai ki Delhi tak aane tak government of India will acknowledge our effort, aur wo jald se jald is vishay mein टॉक्स फिर से रिज्यूम करेंगे और जल्द से जल्द इन जो डिमांड्स है उसको भी पूरा करेंगे। सो इफ पीपल वांट टू लर्न दैट हाउ वी प्रोटेस्ट पीसफुली इन इंडिया, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। यू सी द वन हु इज लीडिंग, ही इज 71 राइट नाउ, ही इज स्टैंडिंग देयर एंड यू विल सी दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। शोर नहीं मचा रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ विजडम दैट आई सी इन द पीपल राइट, इट्स सो माइंड ब्लोइंग, इट्स सो माइंड ब्लोइंग।
Do you see that energy? Do you see that energy? And if I talk about how people are actually resonating with it, I have seen the amount of people who have been joining him, showering the love, and literally he's right now walking in rain, and if you see the temperature is around what, 12 or 10, but still these people are walking, these people are protestfully marching towards the capital, and the main reason for them is only for demands. Let's see what is up next, and we see that there are like literally, we see that two people are carrying this from last 300 kilometers, and if you read it says Leh to Delhi, they for the climate change, for save Ladakh, save Himachal, locally safeguarding Ladakh, and they have been carrying it from last 400-500 kilometers. They will carry it towards Delhi, and if you see how amazing it is, right? Save Ladakh! Save Himachal! Save Ladakh! अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मिस्टर वांगचुक इज सिटिंग विद द लोकल्स एंड डू यू सी द अमाउंट ऑफ लव दैट दे हैव बीन शावरिंग ऑन हिम एंड ही हैज बीन फाइटिंग. He has been going with like 80 or 200 people, and if you see, he's just sitting there and people are offering him everything from love to food to tea, anything, and they're smiling, they are hugging him like he is one of them. I think we all should support him in whatever cause, in whatever demands. Road shoot it.